कल थोड़ी बहुत बारिश आई तो उसका पानी हमने जमा किया है तो बाथरूम में हमने यूज किया है। इस वक्त वीडी न्यूज जो है रामबन के अपर चंद्रोग वार्ड नंबर 7 में पहुंचा हुआ है। यहां पर कुछ लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि गुज़श्ता कई महीनों से इनके घरों में जो है वो नाल जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। अगर जल है तो जीवन है, आखिर क्या समस्या है इनकी। वीडी न्यूज़ यहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, जाने की कोशिश करता है कि फ़िलहाल इनका मसले का समाधान क्या है और आखिर इंतज़ामिया इसके बारे में क्यों सोई पड़ी है। फ़िलहाल हम जाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो हैं बाल्टियाँ लेकर आखिर जो है ये क्यों जो है यहाँ पर एहतजाज का मुजाहिरा जो है वो कर रही हैं। मैम आप ये बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है। पानी की है प्रॉब्लम। पानी की प्रॉब्लम कब से आ रही है? ये एक दो साल हो गए। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, पानी नहीं है, नहाना होता है, वर्दी धोने आते हैं और इनको स्कूल में मास्टर डांटते हैं, बोलते हैं वर्दी क्यों नहीं धो रहे हैं, तो पानी नहीं है तो कैसे धोएंगे। कल थोड़ी बहुत बारिश आई तो उसका पानी हमने जमा किया है तो बाथरूम में हमने यूज़ किया है, तो बहुत पानी की तो आपने इंजामे से डिमांड नहीं की? हाँ की, बहुत एप्लीकेशन भी दिए है। तो एप्लीकेशन कहाँ दिया आपने? वो इधर दिए थे, वो डीडीसी को दिए थे तो कोई एक्शन नहीं लिया है, तो डीसी को भी दिए थे तो कोई एक्शन। डीडीसी और पीए डीडीसी और डीसी को दिया आपने, तो पीएचडी डिपार्टमेंट का क्यों क्यों नहीं? फिर उन्होंने साइन किया है तो वो एक्शन उसके पास भी है, हमने वो हमारी एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा। हाँ तो पता नहीं फिर चौकीदार वालों ने क्या एक्शन किया है, तो अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पानी नहीं है, हमारे नल के सूख गए हैं। अच्छा 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 जी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको बहुत गर्मी लगती है, दिन को तंग करते हैं, मम्मा नहाना है नहाना है, तो पानी नहीं है तो कैसे नहाएंगे। अच्छा 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 जी। चलिए फिलहाल हम आगे मज़ीद तफसील जाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये मसला जो है क्यों जो है आगे नहीं सुलझ पा रहा है। सर आप बताएं कि इस मामले का मतलब ये कब से आप जूझ रहे हैं इस समस्या से? सर इवन मैं तो जब से मैंने होश संभाला है तब से ही पानी की दिक्कत। होश संभाला मतलब क्या? आपको होश क्या मतलब? मतलब सर जैसे मतलब अपनी माइंड सेट में आ जाता है, जैसे 7-8 साल के बाद जो है पता लग जाता है लड़के को क्या चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, तो तब से ही समझो कि 10-12 साल हो गए पानी की प्रॉब्लम है इस जगह पे। कभी हम उनसे मांग के लाते हैं, कभी हमने साइड से उठा के लाना पड़ता है, तो एक एक दो दो बाल्टियां वो हमें यहाँ पर मतलब देते हैं यूज़ करने, डेली यूज़ करने के लिए। और चश्मा भी यहाँ बहुत दूर है, फैलती यहाँ ऊपर एक फैलती जगह है, वहाँ से थोड़ा नीचे हमें कभी वहाँ पर जाना पड़ता है पीने के लिए, एक दो कैन हम उठा ला सकते हैं, बस उतना ही हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपकी क्या डिमांड है? डिमांड ये है हमारी कि हमें जो है कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएं जल्दी से जल्दी। एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सबसे पहले ये जो पानी की समस्या है ये दूर कर दें। और सबसे पहले मैं वीडीसी वालों आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप यहाँ पहुँचे और हमारी जो एप्लीकेशन आपको मैंने भेजी हुई थी उस पर आपने एक्शन लिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए। और हमें जो है जिनको कनेक्शन नहीं है तो उनको कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। हमें 4 घर हैं तो कनेक्शन एक है, आप खुद सोचो हम कैसे मैनेज करें। तो उस एक कनेक्शन में भी हमें 15 दिन के बाद कभी एक मतलब 10-15 लीटर पानी मिलता है, वो भी आफ्टर 10-15 डेज हमें सिर्फ 10-20 लीटर जो है पानी मिल रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और हमें अपना अपना इंडिविजुअल एक कनेक्शन दिया जाए। पानी चोरी को लेकर और इनके समस्या को परमानेंट तौर पर हल करने के लिए जब वीडी न्यूज ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर किशोर कुमार से बात की तो उन्होंने क्या कहा? गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मेरी बात AEE किशोर कुमार से हो रही है? हाँ जी सर। हाँ सर, मैं वीडी न्यूज से जर्नलिस्ट चंद्रजीत बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं रामबन के अपर चंद्रोग वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका ये समस्या आ रहा है कि पानी की जो पिछले लगातार कई महीनों से कोई चोरी हो रही है, इनको जो है पानी नहीं मिल पा रहा है। ये वार्ड नंबर 7 में? हाँ वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 4? 7 अपर चंद्रोग वार्ड नंबर 7। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो सर इसके बारे में आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे?
सर बात ये है बेसिकली यहाँ पे है अल्टरनेट डे सप्लाई ओके रेगुलर बेसिस पर नहीं है। अब थोड़ा सा जैसे डिप्लीशन हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई जिसकी वजह से जब पानी खुला होता हमारे पास उसमें रेगुलर भी देते हैं हम इनको। नहीं, इनका कहने का मतलब है कि कनेक्शन भी नहीं है, अल्टरनेट डेज पे भी नहीं आ रहा है पानी। 10 से 15 लीटर पानी आता है वो भी अल्टरनेट डेज पे। मेरी बात सुनिए, मैं अभी कंफर्म करता हूँ जो हमारा कंसर्न लाइनमैन है, मैं उसको पूछता हूँ कि भाई क्या क्या स्थिति है। ठीक है सर, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी क्यों कम जा रहा है अब मैं पता करता हूँ। ठीक है तो सर, ये आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल। सर कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर लेडीज जो बैठी हैं, बच्चे कह रहे हैं कि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, बच्चे बाल्टियां लेकर बाहर बैठे हैं होमवर्क को छोड़ने के बारे में। मेरी बात सुनिए ना, जो अप्लाई करेगा हमारे पास, हाँ जी, जो जिसका जो कागज लेके आएगा उसकी एप्लीकेशन देगा सर, कागज मुझे लीगल कनेक्शन चाहिए। एप्लीकेशन इन्होंने डीसी ऑफिस दी है, जो सिस्टम है उनको भी दिया और पीएचई डिपार्टमेंट को भी दिया है इन्होंने। वो मेरी बात सुनिए ना भाई साहब, हाँ जी मेरी बात सुनिए, इसमें सुनिए मेरी बात, इसमें ये होता है कि आपने कंसर्न अपना ईडब्ल्यू को एप्लीकेशन देनी होती है फॉर सेंशन ऑफ दी वाटर कनेक्शन, उसमें बकायदा गवर्नमेंट की रसीद काटी जाती है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये कंसर्न ईडब्ल्यू ऑफिस में जाके वहाँ पे रिसिप्ट लेके फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस इलाके में वाकई पानी खुला है नहीं, वो इंडिविजुअल प्राइवेट कनेक्शन हो जाता है उसका रजिस्टर्ड। तो ये कब तक सर, ये आप आश्वासन दे रहे हैं कब तक हो पाएगा ये? कौन सा जॉब जो एवरीबॉडी जो भी इंटरेस्टेड है वो आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं, जिनको ऑफिस में दे दें तो उनको समस्या जो है तुरंत समाधान हो जाएगा। हाँ जी, अरे वो अपने कागज लेके आए, अपनी फीस जमा कराए, उसको कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, चलो आखिरी में मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिरी में सवाल ये होगा सर, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं आपके पास उसके कितने दिन बाद इनका कनेक्शन आपको मिलेगा? वो मेरी बात सुनिए ना, उसमें होता है एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, स्टिपुलेटेड पीरियड होता है कि हमारे ऑफिस से एप्लीकेशन कंसर्न यही को मार्क होती है फॉर फीडबिलिटी। चलो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो वो कितने दिन का? मेरी बात सुनिए, उसमें स्टिपुलेटेड टाइम है क्योंकि उसका टाइम फ्रेम है आजकल दिया हुआ। वो नहीं, आपसे आई एम एग्री, एब्सोल्युटली एग्री, बट कैन यू टेल मी द मेरी बात सुनिए, यू विल टेक फॉर दिस एक्शन? ज्यादा से ज्यादा हफ्ता एक, बस वन वीक। हाँ तो उसमें सुनिए ना मेरी बात, हाँ। वो जो एप्लीकेशन मुझे लिखेगा मैं एप्लीकेशन मार्क करूंगा कंसर्न जेई को फॉर फिजिबिलिटी। ठीक है जी, अगर फिजिबिलिटी वो पर्सन लाइनमैन से पूछता है, वो खुद देखता है वहाँ पे इस लाइन में कितने कनेक्शन है। अच्छा चलो, जब फिजिबिलिटी आ जाती है मेरे पास तो मैं उसको लिख देता हूँ प्रोसेस फॉर क्या कहते हैं वो कनेक्शन। ठीक है, वो साइड बाय साइड उस केस में फिर इनको एक जीआर कटवानी, गवर्नमेंट रसीद होती है। ठीक है। आखिरी में ये जो पानी चोरी की समस्या, इस पर क्या आप? मैं इसका संज्ञान लेता हूँ, आपने मेरी नॉलेज में बात लाई है तो मैं इसका अभी पता करके मैं संज्ञान लूंगा कि भाई एक रेशन बांध क्यों नहीं है। हेलो, रेशन बांध ठीक है सर, रेशन बांध होनी चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू जी, ओके। तो ये थे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर किशोर कुमार, जिन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि पानी जितना भी चोरी हुआ इसकी वो तहकीकात करेंगे, उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उसके बाद बीडी न्यूज़ को वो स्टेटमेंट दे पाएंगे। फिलहाल इन्हें जो है क्या समस्या इस पानी को लेकर, क्या कुछ करना है, क्या प्रोसीजर इनको लेना है ताकि इनको कनेक्शन भी पर्सनल मिल सके और इनका पानी की समस्या जो है वो परमानेंटली हल हो सके, ताकि इन मासूम और घरों बच्चों को इसके बाद कभी भी पानी की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए वीडियो।